पानी और रसगुल्ले। जल ही जीवन है, अतः हमें जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल व्यर्थ गंवाने से क्या होगा, आओ पढ़ें। पात्र: मुन्नू, बिमला, भैया, भाभी। एक मध्यम वर्गीय परिवार के खाने का कमरा, जिसमें एक घड़ी रखी हुई है जो 6:15 बजा रही है। मेज पर दूध रखा है। छोटा मुन्नू अपनी भाभी के पास बैठा है। भाभी, 6:15 बज गए, आज अभी तक भैया नहीं आए। मैंने आज रसगुल्ले मंगवाए हैं। वे रसगुल्ले लाएंगे तो कहीं भाग थोड़े ही जाएंगे, खेलकर खा लेना। नहीं भाभी, मैं तो ताजे ताजे रसगुल्ले खाऊंगा। भैया प्रवेश करते हुए, ताजे ही नहीं बल्कि ठंडे ठंडे भी, खूब रसगुल्ले खाओ। बड़े अच्छे हैं मेरे भैया, मुन्नू खड़ा होकर कूद कूद कर गाते हुए। बड़े भले हैं मेरे भैया, बल्ले बल्ले मुझे खिलाते हैं रसगुल्ले, बल्ले बल्ले। अरे मुन्नू, जा हाथ धोकर जल्दी आ। अभी आया हाथ धोकर। मुन्नू हाथ धोकर नल को खुला छोड़ देता है। भैया अखबार मेज पर रखते हुए, मुन्नू तुम नल बंद करके नहीं आए? सोन चिरैया कक्षा, तो फिर जाओ नल बंद करके आओ। अरे नल भी बंद हो जाएगा, बेचारे को रसगुल्ले तो खाने दीजिए, कब से बैठा रसगुल्लों की प्रतीक्षा कर रहा है। जहाँ इतनी देर प्रतीक्षा की है वहाँ कुछ मिनट और सही। मुन्नू की तरफ रसगुल्लों की प्लेट बढ़ाते हुए, अरे 10-20 मिनट नल खुला भी रह जाएगा तो ऐसा क्या बिगड़ जाएगा। नहीं जाओ, पहले नल बंद करके आओ। मुन्नू नल बंद करके आता है, रसगुल्लों को चम्मच से काटते हुए। भैया आप भी ना, पानी से सस्ती और क्या चीज है। नहीं मुन्नू, यही तो तुम्हारी भूल है, पानी राष्ट्रीय धन है, इसको जरा सा भी बर्बाद करना राष्ट्रीय अपराध है। मुन्नू आश्चर्य से, राष्ट्रीय अपराध, वह कैसे? यूं समझो मुन्नू, कभी तुम नल खुला छोड़ाए, कभी बिमला और कभी नौकर ने यह भूल की। इस तरह यदि एक नल 1 घंटा प्रतिदिन खुला रहा तो जानते हो कितना पानी बह जाएगा, वर्ष भर में 15,000 गैलन। यह तो बहुत हुआ। क्यों भैया, इस पानी के कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 रुपए प्रति 1,000 गैलन के हिसाब से पूरे 75 रुपए। मुन्नू हिसाब लगाकर, यानी कि 15 रसगुल्ले बह गए? नहीं भैया यह नहीं हो सकता है, मैं 15 रसगुल्ले कभी नहीं बहने दूंगा, मैं आगे से हमेशा नल बंद किया करूंगा। पर हम जितना पानी बहाते हैं उसका तो हम पैसा देते हैं, यह फिर राष्ट्रीय धन और राष्ट्रीय अपराध कैसे हुआ? वह प्रत्येक चीज राष्ट्रीय धन है, जिसके कम और अधिक होने से देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। क्या तुम बता सकते हो नलों में पानी कहाँ से आता है? हमारे यहाँ तो यमुना से आता है। यमुना नदी से पानी अपने आप नलों में नहीं चला जाता, बिजली की मशीनों द्वारा यमुना से पानी नलों में चढ़ाया जाता है। 15,000 गैलन पानी को नल में चढ़ाने के लिए 10 यूनिट बिजली खर्च होती है, जिससे 600 प्याले चाय का पानी गर्म हो सकता है, या तुम 480 कपड़ों पर इस्त्री कर सकती हो। यह तो बड़ी भारी हानि होती है। यह हानि इसलिए और भी अखरती है कि हमारे देश में बिजली की बड़ी कमी है। यदि हम किसी भी प्रकार से बिजली को नष्ट करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम देश के बढ़ते हुए उत्पादन को
रुकते हैं। देश के बढ़ते हुए उत्पादन को कैसे रोकते हैं? जो बिजली हमने नष्ट कर दी उसके स्थान पर धोबी ने कोयला काम में लिया। यह कोयला यदि बच जाता तो उसे किसान जला लेता। इससे वह गोबर बच जाता जिसे किसान जला डालते हैं। और इसकी खाद से किसान अधिक अन्न उपजा सकता था, यही कहना चाहते हैं ना भैया? अब समझा कि बिजली पानी कितने कीमती राष्ट्रीय धन हैं। चलो समझ तो गए, अब खूब छक कर रसगुल्ले खाओ। रसगुल्ले बाद में खाऊंगा, बराबर के कमरे में पंखा चल रहा है, पहले वह बंद कर दूं। अरे बातों बातों में मुझे हीटर बंद करने की याद ही नहीं रही। भैया खड़े होकर, हम सबको राष्ट्रीय धन का ठीक से प्रयोग करना ही चाहिए। पर्दा गिरता